चित्तौड़गढ़ में गुरुवार को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भारी पुलिस जाब्ते के बीच भगवान गणपति की प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही गणपति महोत्सव का समापन हुआ। मूर्तियों का विसर्जन का कर्म शुक्रवार सवेरे 4 बजे तक चला, जिसमें 1.5 दर्जन से अधिक लाइसेंसधारी प्रतिमाओं के अलावा सैकड़ों की संख्या में बिना लाइसेंसधारी प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया गया। गंभीरी नदी के तट पर हुए प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान नगर परिषद और सिविल डिफेंस के कर्मचारी भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में 17 सितंबर से चल रहे गणपति महोत्सव का समापन गुरुवार को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणपति योग प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ हुआ, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 18 लाइसेंसधारी गणपति प्रतिमाओं के अलावा अन्य सैकड़ों स्थापित हुई गणपति प्रतिमाओं विसर्जन भी शहर के मध्य व रही गंभीरी नदी में किया गया। इस अवसर पर लाइसेंस में धारी प्रतिमाओं को एक साथ लाया गया, जिससे बड़ी संख्या में जल समूह में गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दिया के अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारे भी लगाए गए। वहीं गोल प्याओं पर झांकियों के पहुंचने के साथ ही चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने गणपति की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की और खुशहाली की कामना की। वहीं इस अवसर पर राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत, कांग्रेस से विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार दुष्यंत राज सिंह भी अपने समर्थकों के साथ गोल प्याओं चौराहे पहुंचे और प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी संख्या में चप्पे पर जाब्ता तैनात किया। वहीं पूरी जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे।